आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ सुपरवाइजर गणों को और सभी एईआरओज यहां एकत्रित हुए स्वीप एक्टिविटीज़ के संदर्भ में सभी को कि मतदाता का जो प्रतिशत है वोटर टर्नआउट रेशियो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है इस बारे में चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उसके संबंध में अभी फॉर्म सभी को दिए गए हैं और आगामी नज़दीकी 2-3 दिन में वो फॉर्म भरवाए जाएंगे। हल्के में मतलब कि आपने रंगोली बना दी या आपने नारे लगवा लिए तो मतदान प्रतिशत बढ़ जाएगा? बढ़ेगा नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, केवल बातों में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में नहीं, आपके वर्किंग में दिखना चाहिए कि आप इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं पूर्ण निष्ठा के साथ। आपको सम्मान मिले ना मिले किसी मंच पर, लेकिन ईश्वर जानता है, आपका हृदय जानता है कि आप कितनी ईमानदारी से प्रत्येक कार्य को कर रहे हैं। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ सुपरवाइजर गणों को और सभी एईआरओज यहां एकत्रित हुए स्वीप एक्टिविटीज़ के संदर्भ में सभी को कि मतदाता का जो प्रतिशत है वोटर टर्नआउट रेशियो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है इस बारे में चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उसके संबंध में अभी फॉर्म सभी को दिए गए हैं और आगामी नज़दीकी 2-3 दिन में वो फॉर्म भरवाए जाएंगे। और प्रयास यही है कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से जो मतदाता का प्रतिशत है वोटर टर्नआउट है खासकर महिला मतदाताओं का वो बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।